लॉकडाउन के दौरान मंगलवार को सुबह सुबह सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने महवा मंडी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि मंडी में शुरुआती दौर के बाद अब बहुत ज़्यादा भीड़ में कमी आई है। उन्होंने बताया कि इसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और मंडी के अधिकारी लगे हुए हैं, जिसके कारण भीड़ पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा चुका है और सोशल डिस्टेंस का भी पालन करवाया जा रहा है। मंडी में पहले कुछ जगह भीड़ की शिकायत प्राप्त हो रही थी, उन जगहों के लिए कुछ पॉइंट चिन्हित करके उन पॉइंट पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और मंडी के अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा कि सब्जियों के वितरण प्रणाली के लिए पहले ही 1000 ठेले वालों को पास जारी किया गया था और उनको मास्क और सिटी दी गई थी, जिससे कि वे मास्क और सिटी बजाकर सब्जी बेचे। उन ठेले के माध्यम से डोर टू डोर सब्जियां पहुंच रही हैं। पहले सब्जी ना पहुंचने की कुछ शिकायत प्राप्त हो रही थी, अब शिकायतों में कमी पाई गई है। घर घर सब्जी पहुंच रही है और निर्धारित रेट पर पहुंच रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, मंडी में भीड़ जो है वो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो चुकी है और सेक्टर मजिस्ट्रेट और जो भी अन्य यहाँ पे अधिकारी लगे हैं, मंडी का स्टाफ लगा है, वो लोग इस समय बेहतर काम कर रहे हैं और भीड़ पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स है उसका भी पालन कराया जा रहा है। और सब्जी मंडी में शुरुआत में भीड़ लगने की शिकायत प्राप्त हो रही थी, तो अब उसके लिए भी अलग अलग पॉइंट चिन्हित कर दिए गए, वहाँ मजिस्ट्रेट लगा दिए गए हैं, तो इस समय तो भीड़ पर काफ़ी प्रभावी नियंत्रण है। सर, वितरण प्रणाली सब्जियों की स्थिति कैसी चल रही है? सब्जियों के लिए लगभग 1000 ठेले हम लोगों ने आज से 15 दिन पहले रवाना किए थे, सबके पास बनवा दिए थे और सबको मास्क और सीटी दे दी गई थी कि वो घर घर जाकर वितरण करें और सुबह ही रेट निर्धारित कर दिया जाता है 5:30 बजे करीब, तो उसी के हिसाब से वितरण हो रहा है और जो पहले शिकायतें प्राप्त हो रही थी अब शिकायतें भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं, तो अब घर घर सब्जियाँ पहुँच रही हैं और वाजिब रेट पर पहुँच रही हैं और प्रयास यही है कि जब तक ये अवधि रहेगी लॉकडाउन की तब तक इसी तरह घर घर सब्जियाँ पहुँचाई जाएंगी।